हेलो दोस्तों, आज का हमारा अगला नया ट्रिक है। हमने ये एक विशेष प्रकार का ट्रिक है जो कि 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं के बीच में अगर कोई भी संख्या से अगर गुणा करना हो तो हम इस ट्रिक के माध्यम से सफलतापूर्वक हम गुणा कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए तीन ट्रिक इससे पहले बता चुके हैं। ये हमारा चौथा ट्रिक रहा है कि यदि किसी गुणे में 11 से लेकर 19 तक की किसी भी संख्या से अगर गुणा करना हो तो क्या करेंगे। तो गुणा करने के लिए हमें गुणे के जो हमारा गुणक होता है। हमने बताया था गुणे कहता है जिसमें गुणा करते हैं वो हमारा गुणे कहलाता है, और जिससे गुणा करते हैं उसे हम गुणा कहते हैं। हमने जैसे बताया अंतर गुणे में मैं और से का अंतर होता है, जिसमें गुणा करते हैं उसे गुणे कहते हैं, जिससे गुणा करते हैं हम लोग उसे हम लोग गुणक कहते हैं। तो करना क्या है कि जो दिया है 11 से 19 तक, 11 से 19 के बीच में हमारा जो 13 है, इसका हमें प्रत्येक गुणे के मतलब प्रत्येक के साथ हमें मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर लिख कर हम उसका गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, तो हम वर्किंग स्टेप में क्या करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप रहा 13 6 लिया जाए पहले, तिरछे का 78 होता है तो 78 को 8 लिखेंगे, 87 जाता है। आता हमारा सेकंड स्टेप, तेरह और 2 है 26 होता है, 26 को लिखेंगे, 80 हमारा 2 गया। थर्ड स्टेप 13 को 5 से करेंगे, 13 5 65, तो 5 लिखेंगे, 6 हमारा 80 चला गया। हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या है, 4 और 13 लेना होगा, 13 4 52 होता है, 2 लिखेंगे, 80 हमारा 5 गया। हमारा लास्ट स्टेप 13 3 को 7 देना है, तो हम लास्ट स्टेप भी कोई भी करते हैं तो पूरा हम लोग टोटल हासिल उसे लिख देते हैं वहीं पे। तो 13 3 39 39 को पूरा लिखेंगे, इसको हासिल के रूप में हम लोग 3 को हासिल के रूप में नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग का प्राप्त गुणनफल क्या होगा, प्राप्त गुणनफल तो हमने जैसे बताया था कि हम लोग लास्ट स्टेप से फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप सेकेंड करके हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे क्या, 39 5 2 हो गया, 65 है तो 65 का 86 नीचे हो गया, 5 यहाँ हो गया, ये 26 रहा, 26 से 2 ऊपर 6 हो गया, ये 78 रहा, 4 7 नीचे 8 ऊपर ठीक। अब हम लिख लेंगे इसका गुणनफल के रूप में, इससे पहले कोई याद नहीं तो 8 का 8 रह जाएगा, इस 7 को 6 जोड़ दे तो 7 6 13 हो गया, और 2 को 5 2 7 21 इसका 8 हो गया, इसको जोड़ दे 6 2 8 हो गया, 9 9 5 14 हो गया, 3 1 4 हो गया ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रिक के माध्यम से हमने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया। हमने इस स्ट्रिक की सहायता से हमने आप लोगों को एग्जांपल बताया, हमने पहले बताया क्या कि जो हम जनरल फॉर्म के तौर पर जो हम गुणा करने के लिए बोला कि करना क्या है कि प्रत्येक गुणे के करने के लिए जो संख्या होती है
ग्यारहवीं तक को प्रत्येक गुड़े के ये गुड़े बार होता है, और गुड़े के प्रत्येक गुड़क से गुड़ा करके जो ये गुड़क है इसका प्रत्येक गुड़े के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई कर उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे हम लोग। जैसे 13 का हमने 6 के साथ किया, 13 को 2 के साथ किया, 13 को 5 के साथ किया, 13 को 4 के साथ किया, 13 को 3 के साथ किया। उस करने के पश्चात हमने इसको इस तरह लिखा। फिर हम लोग जानते हैं कि निकाय का अंक लिखते हैं, दाई का अंक हमेशा जो होता है तो हमारा कैरी चला जाता है, अर्थात हासिल में चला जाता है। जब हम उसको हासिल में लेंगे तो ये हो गया 8 हो गया, 8 को लगा 7 हासिल बचा हमारा, इसमें 26 आया, 26 को 6 लिखा हासिल 2 बचा, ये 65 हुआ, 65 को 5 लिखा हासिल 6 बचा, ये 52 हुआ, 52 को 2 लिखा हासिल 5 बचा। जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, हम लास्ट स्टेप में हासिल लिखते नहीं है, चूँकि लास्ट स्टेप में सभी हासिलों को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे हम लोग सिंपल कोई भी सब्ट्रैक्शन से जोड़ते हैं तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो जब इसमें किया तो 39 हमने लिख दिया। जब हमारा प्राप्त गुणनफल होता है तो हम क्या करते हैं प्राप्त गुणनफल में, तो प्राप्त गुणनफल में हमारा क्या होता है तो हम लोग इधर से जोड़ते जाते हैं। तो इससे पहले कोई अंक नहीं था इस तो 8 और 7 8 लिखेंगे तो 8 एक 8 हो गया, 7 को इसमें जोड़ेंगे 7 को 6 में तो 7 6 13 हो गया, 13 को 3 लिखेंगे हासिल 1 बचेगा तो 5 2 7 और 7 8 हासिल इसका था 7 1 8 हो गया। ये तो फिर 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, फिर 5 6 9 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 3 में 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो गया हमारा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्राप्त गुणनफल हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये साल होता है। तो आइए का दो और एग्जाम्पल इसी की सहायता से हल करते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई फिर संख्या ले लिया, मान लीजिए हम सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं, ठीक है, इसको वही रहने देते हैं गुड़े को, हम गुड़ा को बस गुड़क को हमने बस चेंज किया और गुड़े को वही रहने देते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साल कैसे करेंगे, हमने जैसे बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो पहला स्टेप हम प्रारंभ करते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट स्टेप 6 × 12 × 6 = 72, 72 को 2 लिखेंगे हासिल 7 लगा, अब 12 को 2 के साथ करेंगे सेकेंड स्टेप में, तब 12 को 2 के साथ करना है, 12 × 24, 24 को 4 लिखेंगे हासिल लगा 2 बचा हमारा। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे 12 को 5 के साथ लेंगे, तो 12 × 5 = 60, 0 लिखेंगे, 60 हमारा हासिल में चला जाएगा 6। तो अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या है 12 और 4 = 4 × 12 = 48, 48 को 8 लिखेंगे, 4 हमारा हाथ ही चला गया। हमारा लास्ट स्टेप बचा 3 को 12 के साथ लेना है, तो 12 × 36 हो जाएगा। हम लास्ट स्टेप इसी तरह लिख लेंगे, उसमें हम लोग जिस तरह इधर हमने किया कि 72 को 2 लिखा हासिल 7, तो हम लोग लास्ट स्टेप में जो इस तरह नहीं करेंगे। फिर हमने बताया कि प्राप्त गुणनफल को हम कैसे भी प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त गुणनफल हमारा क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि प्राप्त गुणनफल में हम लोग को करना क्या होता है कि पहले हम जो होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग। तो पहले क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, छोटा सा 4 8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6 ये 0, फिर लिखेंगे 2 ये 4 लिखेंगे, फिर ये 7 लिखेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको जोड़ते हैं और करते हैं। इससे पहले कोई ऐसे नहीं है तो 2 का 2 हो जाएगा,
सात में चार जोड़ेंगे तो सात चार ग्यारह हो जाएगा, दो को जीरो में जोड़ेंगे तो दो एक कम दो रह जाएगा, हासिल एक तीन हो जाएगा। फिर छः को आठ में जोड़ेंगे तो आठ छः चौदह को चार हो जाएगा, फिर छः चार दस हो जाएगा, दस में एक हासिल जोड़ेंगे तो ग्यारह हो जाएगा, और तीन में जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और हमारा ये जो ट्रिक नंबर चार रहा वो सफल रहा। इस तरह से कोई भी संख्या हो 11 से लेकर 19 तक, तो हम उसकी सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो किसी भी संख्या हो 11 से 19 तक के बीच होनी चाहिए, जो गुणक हो वो 11 से 19 तक के बीच में होना चाहिए, ना कि हम लोग 11 से 19 तक के बीच में ही कोई भी संख्या लेंगे और उससे अगर अलग प्रकार का हो तो हम उसके लिए अलग प्रकार के टाइप के लिए अलग ट्रिक लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको दो एग्जांपल के माध्यम से ट्रिक को बताया समझाया। तो मैं पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को ये ट्रिक जरूर समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।